या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह ठाकुर के बयान पर बिफरे कांग्रेस नेता हर्षवर्धन चौहान। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व सिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने महेंद्र ठाकुर द्वारा शिक्षकों पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जिला मुख्यालय नाहन में क्रमिक भूख अनशन पर बैठे NCI कार्यकर्ताओं को समर्थन देने पहुंचे हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षकों के खिलाफ मंत्री द्वारा टिप्पणी किए जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी कांग्रेस कड़ी शब्दों में निंदा करती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 26 उम्मीदवारों के प्रोजेक्ट अनुमोदित। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की छंटनी तथा चयन के लिए उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में आज आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए, जिसमें नाहन और पौंटा शाही विकास खंडों के 26 उम्मीदवारों के प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए। इसमें कुल 3.62 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। इसमें मुख्यतः छोटे मालवाहक वाहन, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस जिम, रेस्टोरेंट, पोल्ट्री ग्रिट उद्योग, ऑटो वर्कशॉप, JCB, टेस्टिंग लैब के प्रकरण इत्यादि पास किए गए। जिले में बनाए जाएंगे कृषक उत्पादक संगठन। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा है कि विपणन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर कृषक उत्पादक संगठनों का गठन होगा। कम से कम 100 सदस्यों के साथ कृषक उत्पादक संगठन बनेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त आज नाबार्ड के तहत कृषक उत्पादक संगठन निर्माण व संवर्धन योजना की जिला स्तरीय अनुवर्तन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल युवा ब्रिगेड ने निकाला मोर्चा। सेवा दल युवा ब्रिगेड ने देश प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा ब्रिगेड ने शिमला में राजीव भवन से उपायुक्त कार्यालय शिमला तक रैली निकालकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर नारेबाजी की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चर्च की बड़ी खेप के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जिला चंबा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस व नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 युवकों के खिलाफ नशे की बड़ी खेप बरामद करते हुए 2 किलो 52 ग्राम चर्च कब्जे में ली। बरामद की गई नशे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPCA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आदर्श गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं। इसे विडंबना कहें या फिर नसीब, लेकिन आदर्श गांव में अब तक सरकारी नल का ना लग पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। मात्र आदर्श गांव का बोर्ड लग जाने से कोई जगह या फिर गांव आदर्श नहीं बन जाता। गांव में अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग तरस रहे हैं, लेकिन अब तो सबके जहन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि विकास के पग भरने वाली सरकार अब तो हर घर नल लगा रही है, लेकिन एक आदर्श गांव में सार्वजनिक नल का भी ना लग पाना गांव के साथ भद्दा मजाक है। लोक सेवा आयोग ने जारी किया परिणाम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सेवाओं के 11 चयनित प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की। आयोग ने इन पदों के लिए 1 से 3 जुलाई तक शास्त्रकार रखे। आयोग के अनुसार जिन प्रत्याशियों का चयन हुआ है उनमें सामान्य वर्ग के नोर्मा जैन, गीतिका यादव, शुभांगी जोशी, मृदुला शर्मा, टीना मल्होत्रा, वरुण, करम प्रताप सिंह, अक्ष सरोहा, OBC वर्ग में सोनिया शर्मा व शशिकांत और अनुसूचित जाति वर्ग में प्रिय डोगरा शामिल हैं। कोरोना काल में होटल के बजाय होमस्टे में ठहरे हिमाचल आए 70% सैलानी। कोरोना काल में बंदिशें खत्म होने के बाद हिमाचल आ रहे सैलानी शहरों के बड़े बड़े होटलों के स्थान पर बाहरी इलाकों के
होम स्टे में ठहरने को तवज्जो दे रहे हैं। बीते तीन वीकेंड के दौरान हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानियों में से 70% ने ठहरने के लिए होमस्टे को चुना। कोरोना के खतरे के बीच सैलानी होटलों की अपेक्षा होमस्टे में ठहरना अधिक सुरक्षित मान रहे हैं। दूसरी कमेटी बनाकर गुरुद्वारे पर कब्जा करने का प्रयास। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टोका साही में प्रबंधक कमेटी को लेकर विवाद उपजा है। यहां करीब एक साल पहले प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद नई कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी से जुड़े कुछ लोग एक अन्य कमेटी का गठन कर गुरुद्वारा कमेटी पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शामिल है कोरोना काल में होटल के बजाय होमस्टे में ठहरे हिमाचल आए 70% सैलानी। कोरोना काल में बंदिशें खत्म होने के बाद हिमाचल आ रहे सैलानी शहरों के बड़े बड़े होटलों के स्थान पर बाहरी इलाकों के होमस्टे में ठहरने को तवज्जो दे रहे हैं। बीते तीन वीकेंड के दौरान हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानियों में से 70% ने ठहरने के लिए होमस्टे को चुना। कोरोना के खतरे के बीच सैलानी होटलों की अपेक्षा होमस्टे में ठहरना अधिक सुरक्षित मान रहे हैं। दूसरी कमेटी बनाकर गुरुद्वारे पर कब्जा करने का प्रयास। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टोका साही में प्रबंधक कमेटी को लेकर विवाद उपजा है। यहां करीब एक साल पहले प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद नई कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी से जुड़े कुछ लोग एक अन्य कमेटी का गठन कर गुरुद्वारा कमेटी पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। नोडल युवा मंडलों के चयन के लिए 15 जुलाई नोडल युवा मंडलों के चयन के लिए करें आवेदन। जिला युवा सेवा में खेल अधिकारी कांगड़ा नरेश पाल गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा सेवा में खेल विभाग द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल के उपरांत खंड स्तर पर सक्रिय युवा मंडलों में से नोडल युवा मंडल का चयन किया जाता है। वह चयनित युवा मंडल एवं योजना के अंतर्गत अनुबंधित युवा स्वयंसेवी के माध्यम से आगामी 2 वर्षों तक युवा विकासात्मक गतिविधियों तथा विभागीय कार्यक्रमों का संचालन किया।